नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार सहित पूरे देश में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन ठंड का असर अभी कम होने वाला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मौसम विभाग मौसम के मौजूदा स्थिति और आने वाले दिनों में मौसम के हाल को लेकर कई तरह के अलर्ट जारी करता है। इनमें रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट शामिल होते हैं। अभी बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं ने बिहार के लोगों को कपकपी छुरा कर रख दी है। ऐसे में मौसम विभाग के तरफ से हाल ही में बिहार के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। चेतावनी देने के लिए रंगों का चुनाव कई एजेंसियों के साथ मिलकर किया जाता है। इन अलर्ट्स को मौसम खराब होने की तीव्रता के आधार पर जारी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौसम विभाग के तरफ से जारी की जाने वाली रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन अलर्ट के बारे में। इस वीडियो में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मौसम विभाग द्वारा किस परिस्थिति में कौन सा अलर्ट जारी किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन अलर्ट के बारे में। मौसम विभाग द्वारा कई बार ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित जगह पर कोई खतरा नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को बस सावधान रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में जिस जगह के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है, उस जगह के लोगों को मौसम की आगे की स्थिति के लिए मौसम विभाग के अगले अपडेट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे येलो अलर्ट के बारे में। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट का प्रयोग लोगों को सचेत करने के लिए किया जाता है। इस अलर्ट का मतलब होता है आने वाले खतरे के प्रति उदासीन नहीं रहें, बल्कि सचेत रहें। यह अलर्ट जस्ट वॉच का सिग्नल होता है। इस अलर्ट में मौसम की स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रखी जाती है। जिस स्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है, वहां के लोगों को सचेत रहने की जरूरत होती है। ऑरेंज अलर्ट के बारे में बात करेंगे अब। जैसे जैसे मौसम खराब होता जाता है, वैसे ही मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट जारी करके यह चेतावनी जारी की जाती है कि मौसम के बहुत खराब होने की संभावना है। इस प्रकार का अलर्ट इसलिए जारी किया जाता है ताकि लोग सावधान होकर अपनी जान माल की रक्षा हेतु एहतियात बरतें। जरूरी कदम पहले से ही उठा कर रखें। जिस स्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, वहां के लोगों को मौसम के प्रति बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब सबसे आखिरी में हम बात करते हैं रेड अलर्ट के बारे में। जब भी मौसम बहुत ज्यादा खराब रहता है, तब मौसम विभाग के तरफ से रेड अलर्ट जारी किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिन जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है, वहां के स्थानीय प्रशासन से सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाता है। रेड अलर्ट का मतलब होता है खतरनाक स्थिति। मौसम विभाग के अनुसार जब मौसम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और जान माल की भारी नुकसान का खतरा रहता है, तो वैसी स्थिति में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। जिन जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है, वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा यह दी गई जानकारी भविष्य में सतर्क रहने और मौसम की मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगाने में आपके काम आएगी। अगर इस संबंध में आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।